हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग की है लैपटॉप की कुछ एसेसरी, जैसे कि स्क्रीन प्रोटेक्शन, बैक प्रोटेक्शन, कीबोर्ड प्रोटेक्शन। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इधर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही आप अपने लैपटॉप में स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है या फिर कहीं से खरीदा है तो कैसे आप घर बैठे लगा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मेरी एक सलाह है आप लोगों से, अगर आपके गाँव में या फिर शहर में लैपटॉप की कोई स्टोर हो जहाँ पे वो स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाता हो, तो आप वहीं से जाके लगाएं। अगर आप घर से ट्राई करते हैं तो दोस्तों आपसे गलती हो सकती है, मेरे से भी दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई है। उसमें थोड़ी सी एयर रह गई है, हवा रह गई है स्क्रीन गार्ड लगाते समय। तो दोस्तों, अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी स्टोर में जाके लगा सकते हैं जहाँ पे आपको ये प्रोटेक्शन लगाता हो स्क्रीन में, लैपटॉप की स्क्रीन में। अगर दोस्तों कोई भी स्टोर नहीं है आपके गांव में तो आप घर से ट्राई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे गाँव में भी नहीं थी इसलिए मैंने घर से ट्राई किया है और आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करे बिना मत जाना। तो दोस्तों, चलिए आज किस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लैपटॉप की स्क्रीन को अच्छे से साफ कर लें। इसको साफ करने के लिए आपके पास जो मुलायम कपड़ा हो उसी का इस्तेमाल करें दोस्तों। इसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन होगी लैपटॉप की, उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और इसको साफ करने के लिए इसका जो स्प्रे आता है उसका इस्तेमाल करें, स्क्रीन स्प्रे, जिससे स्क्रीन अच्छे से साफ हो जाए और इसमें ज़रा भी धूल नहीं रहनी चाहिए। अगर दोस्तों धूल रहेगी तो आप जब स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाएंगे तो उसमें एयर रह जाएगी और वो बबल दिखने लगेंगे स्क्रीन में। तो आप इसको अच्छे से साफ कर लें दोस्तों। जब आप लैपटॉप की स्क्रीन को साफ कर लें उसके बाद आपके पास जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है उसको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इस तरह रख देना है। फिर आपको इसको सेलो टेप की मदद से दोनों साइड इस तरह चिपका देना है, ताकि जब आप इसका जो प्लास्टिक है वो निकाले ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह आपको लगा देना है। जो ब्लू वाला स्टिकर है उसको नीचे की तरफ रखना है और रेड वाले स्टिकर को ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि दोस्तों जो ब्लू वाला है वही एक प्लास्टिक है और ऊपर वाला जो ये है यही हमारा स्क्रीन प्रोटेक्शन है। तो इसको रहने देना है। तो किस तरह लगाना है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको लगा देना है, पहले ऊपर की तरफ इस तरह रख देना है, फिर ऊपर की तरफ सेलो टेप लगा देनी है, फिर ऐसा ही तरीके से लग जाएगा। फिर आपको रेड वाले स्टिकर को इस तरह उठाना है और जो ब्लू वाला स्टिकर है उसको हमें निकालना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह निकालना है। तो इस तरह निकालते जाना है, यही एक प्लास्टिक है इसको निकाल देना है और हमें जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो हमें लगाते जाना है। और दोस्तों, इसको लगाने के लिए आपके पास जो भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पान कार्ड हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी पान कार्ड है तो उसका इस्तेमाल करूँगा मैं इसको लगाने के लिए। और दोस्तों, इसको इस तरह मत लगाइए, आपके पास जो भी मुलायम कपड़ा हो उसके अंदर रख के इसको लगाते जाइए। मैं अभी गलती कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं कि ये सही से लगता है कि इस तरह नहीं लगता, मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब दोस्तों, इसमें आप कपड़ा रख के इस तरह इसको लगाते जाइए ताकि इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, वरना आप इस तरह लगाएंगे तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो आप इस तरह लगाते जाना है आप लोगों को, आपको ज़रा भी गलती नहीं करनी है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बढ़िया और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।